अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। पाक मसूद यूटोंग में टांग से कराची का हमारा सफ़र जारी है। इस वक्त हम मोटर में M9 पर अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। आपने जैसे कि पिछले 3 पार्ट्स में देखा, हम 1:30 बजे के करीब टांग से रवाना हुए और तकरीबन रात को 10:30 बजे के अराउंड हम ज़ाहिर पीर पहुँचे। वहाँ 40 मिनट के स्टॉप के बाद हम वहाँ से रवाना हुए और हम 1 के अराउंड रोहड़ी पहुँचे। ज़ाहिर पीर पर ही हमें सुपर मसूद का दूसरा टाइम जो कि 3 बजे टांग से रवाना होता है और पाक मसूद का दूसरा टाइम जो कि 3:30 बजे रवाना होता है, वो दोनों हमारे बराबर हो गए थे। अभी मोटरवे M9 पर हमारा सफ़र जारी है टूवर्ड कराची। ये थी पाक मसूद की वीडियो। मेरा ख्याल था कि शायद इस बार पाक मसूद में कुछ अच्छी ड्राइविंग देखने को मिले, लेकिन मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। इतनी अच्छी ड्राइविंग देखने को नहीं मिली, बट जैसी भी वीडियो बनी वो मैंने आपको दिखा दी और आपके साथ शेयर कर दी। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, आपको पसंद आती है या नहीं। इस वक्त सुबह के 6:26 हो रहे हैं। हम DHACT के अराउंड हैं, फजर की नमाज़ के लिए स्टॉप कर रहे हैं। सामने आप देखें एक बस खड़ी हुई है, ये सुपर मसूद का दूसरा टाइम है और ये हमसे पहले फजर की नमाज़ के लिए रुकी हुई थी। जब हमने फजर की नमाज़ के लिए स्टे किया तो तबीयत मेरी कुछ अजीब सी हो रही थी, मैं वीडियोस नहीं बना पाया जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर दिखाता कि सुपर मसूद का दूसरा टाइम जो कि ज़ाहिर पीर हमसे तकरीबन 20 मिनट बाद पहुंचा था, वो हमसे पहले फजर की नमाज़ के लिए स्टॉप पे रुका हुआ था और हमसे तकरीबन 15 मिनट पहले वो रवाना हो गया। तो सुपर मसूद वाले काफ़ी अच्छी स्पीड से आए। ये आप देख रहे हैं, ये डीजी खान से 8 बजे वाले बलोच की गाड़ी है। सुपर मसूद की मैं बात कर रहा था, काफ़ी अच्छी स्पीड से वो आया और रात में उसने पता नहीं हमें कब क्रॉस किया। शायद हो सकता है जिस टाइम में मैं सो रहा हूँ उस टाइम वो हमसे आगे निकल गया। जिस हिसाब से हमारे ड्राइवर ने गाड़ी चलाई है तो लगता है ऐसी है कि
उसने मोरो से काजी अहमद के अराउंड, या हो सकता है कि काजी अहमद से हैदराबाद के बीच में कहीं हमें ओवरटेक किया हो।
सामने आप देख सकते हैं आदिल शाह का मियाँ वाली टाइम है। इस वक्त सुबह के 7:48 हो रहे हैं और हम तकरीबन अगले 10-12 मिनट में अलासिफ पहुंच जाएंगे। आग से हम 1:30 बजे निकले थे तो तकरीबन 18.5 घंटों में हमारा टाँग से कराची का सफ़र मुकम्मल हुआ। और ये थी हमारी ट्रिप की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पूरी देखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।